चेतावनी, बैकअप जनरेटर का ऑपरेशन 35% पर है। हे भगवान, बैकअप जनरेटर का ऑपरेशन 35% पर है। मीनी,
मुझे यहां से तुरंत निकालो। हेलो, टैटूज गायब नहीं होते। तुम्हारा होमवर्क याद है? तो ये कभी गायब नहीं होगा? नहीं, गायब होने का मतलब क्या है? ओके, तुमने अपना फोन लिया? मुझे नहीं पता। तुमने प्रॉमिस किया था तुम नहीं घुमाओगे, ये चीजें महंगी होती हैं। मुझे लगता है ये मेरे रूम में है, रुको मैं आता हूँ। नहीं मत करो, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, तुम लेट हो जाओगे। मैंने उसे नहीं घुमाया, वो यहीं कहीं होगा। क्या कर दिया? गुस्सा मत करो। तो मैं और क्या करूं? मुझे माफ करो। तुम मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाओगे। उसे मत छूना, तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। मैं इसी के बारे में कह रही थी। Thank you.
चेतावनी, बैकअप जनरेटर का ऑपरेशन 35% पर है। चेतावनी, बैकअप जनरेटर का ऑपरेशन 35% पर है। तुम यहीं पर हो? हेलो, तुम यहां क्या कर रहे हो? हे भगवान, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं जवाब का इंतजार कर रही हूं। मैं यहां पर उठा, मैं हिल नहीं सकता। क्या तुम डॉक्टर को बुलाओगी? तुम्हें क्या लगता है तुम कहां पर हो? एक हॉस्पिटल में। ये एक हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर हमारी मदद करने कोई नहीं है, यहाँ पर बस हम दोनों हैं। तुम क्या बात कर रही हो? हम कहाँ हैं? तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। Come on, please, मेरे हाथ खोल दो। नहीं, 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 प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो। तुम संगरोधिक हो, मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालने वाली। तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। हम एक दूसरे को जितना कम जान सके उतना बेहतर। मैं हेनरी हूं। तो मैं हेनरी हूं, कोई मामूली लड़का नहीं हूं। मुझे बस यहां अकेले नहीं रहना है। अगर यहां सिर्फ तुम और मैं रहेंगे तो क्या तुम्हें यहां अकेले रहना है? तुम्हारे नाम से शुरुआत कर सकते हैं। एली। एली, हाय। तुम यहां कैसे पहुंची? मैं उठी तुम्हारी तरह, ऐसे ही एक रूम में। तो हम सेम बोट में हैं। और अब मैं प्रेग्नेंट हूं। तुम पहले प्रेग्नेंट नहीं थी? कोई चांस ही नहीं। शिट, यहां पर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, पर यहां सब लोग मर चुके हैं। मुझे खोल दो प्लीज। हेलो,
यहाँ आ जाओ। तुम संरोधिक हो। कम ऑन। दोनों को मदद की जरूरत है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओके, मुझे अपने कपड़े लेने दो। 30 seconds और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। चेतावनी, बैकअप जनरेटर का ऑपरेशन 30% पर है। हे भगवान, ये क्या है? लाइट चली गई। मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। तुम्हें क्यों बड़ा वाला चाहिए? यहाँ पर क्या हुआ तुमने नहीं देखा? बातों से मैं शांत होता हूँ। हाँ, और मैं बातों के बिना होती हूँ। हाथ दो अपना। ठीक है, हेलो, मैं मैरियन डॉब्स हूँ। कोई जिंदा है वहाँ? इंटरकॉम्स चल नहीं रहे, प्लीज मुझे कांटेक्ट करना। तुम्हें जल्दी करना होगा, हमें नहीं पता जनरेटर कब तक काम करेगा। ओ नहीं, क्या? मेरा पानी लीक हुआ। ओ शिट, प्लीज अभी बैठ जाओ। नहीं, नीचे बैठो। दर्द इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा। मैं जानती हूँ ये क्या है, मैं हैंडल कर सकती हूँ। हेलो, टेस्टिंग 1 2। हेलो, प्लीज मुझे बताओ ये कोई ग्लिच नहीं है? मैं ग्लिच नहीं हूँ, मैं हेनरी हूँ और मैं एली के साथ हूँ। थैंक गॉड, मुझे लगा सिर्फ मैं ही हूँ। तुम लोग कहाँ हो, कौन सी वे? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर उठा। तुम लोग डॉक्टर्स नहीं हो? नहीं। क्या तुमने कुछ गलत कहा? मुझे नहीं पता, शायद वो उनमें से जिन्होंने हमें यहाँ लॉक किया। ओके, तुम्हें मुझे एग्जिट पर मिलना होगा। ओके, हम ये कैसे करें? आसपास देखो, रूम में क्या है? कुछ खाली पिंजरे और एक फाइल फोल्डर है। ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस, डॉक्टर प्रिंस। तुम बी विंग में हो। हम वहाँ कैसे आए? हॉलवे में जाओ और राइट टर्न लेना। जब एंड तक पहुँच जाओ तब लेफ्ट लेना, फिर अगला राइट लेना, दो दरवाजों के अंदर से जाना और दूसरा राइट लेना, वहाँ से कोई भी टॉर्च लेना, उसी से उन्हें अच्छा हुआ तुमने वो ड्रग्स लिए। ये आफ्टर स्कूल स्पेशल का टाइम नहीं है। देखो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो। इस बार दूसरे साइड में रह के अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज वापस आ जाओ। मैं आऊंगा। ये स्माइल देखी,
100% सब कुछ ठीक है वाली गारंटी देता हूँ। इसका मतलब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये लो। नहीं, तुम ये रख लो, मेरे पास ये है। आता हूँ। भगवान। चेतावनी, बैकअप जनरेटर का ऑपरेशन 25% पर। जनरेटर का ऑपरेशन 25% पर है। भगवान का शुक्र है। तुम हेनरी हो ना? ओके, गुड। वो सिक्योरिटी कैमरा देख रहे हो? मैं बाहर रहती अगर वो काम करता तो। चाहे तो करना ही पड़ता है ना, ये क्या? अभी नहीं हेनरी, उस वायर को पकड़ो और उसे खींच के निकालो। ये वाली? हाँ। फिर उस वायर को नोडल पॉइंट से कनेक्ट करो वहाँ पर। पर जब मैं गो कहूँ तब, उससे पहले। पर हम ये क्यों कर रहे हैं? हम सिस्टम को फंसा रहे हैं ताकि उसे लगे कि फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया है। हो सकता है इससे दरवाजा। हम इनमें से एक की कार्ड नहीं यूज कर सकते? उनमें से कोई भी काम नहीं करता। प्लीज प्लीज काम करो। ठीक है, और गो। चेतावनी, बैकअप जनरेटर का ऑपरेशन 20% पर है। तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं ना? इसके बाद क्या? इसके बाद कुछ नहीं, यही एक एग्जिट है। ये पूरी जगह अंडरग्राउंड है। होप करो कि कोई और रास्ता निकले, क्योंकि एक बार जनरेटर जीरो पर पहुंच गया सारी लाइट्स चली जाएंगी और वो चीजें ऊपर आकर तुम्हें, मुझे और उसे डिनर बना देंगी। क्या हम किसी को तुम बुला किसी सकते? को नहीं बुला सकोगे अगर तुम यहाँ फंसे। हेलो, हाय, एक्सक्यूज मी, यहाँ खतरा पहुंचाने वाली कितनी चीजें हैं? इतने कि यहाँ पर सबको खत्म कर सके। तो हमें लाइट्स ऊपर लाकर भागना नहीं चाहिए? वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बैकअप जनरेटर में पावर बचाने का सिस्टम है। 50% पर हम इमरजेंसी लाइटिंग और सिस्टम्स के साथ रह जाएंगे। ओके, तो हम जनरेटर को रिफिल क्यों नहीं कर सकते? तुम जरूर ट्राई कर सकते हो। रिफिल वही है जहां वो खतरनाक चीजें हैं। शिट। कल रात 10 मिनट के लिए हमने लाइट्स खो दी। 10 मिनट, और देखो उन्होंने क्या किया। वो चीज क्या है? मुझे नहीं पता, पर उन्हें खून चाहिए और वो उसके लिए किसी को भी मार सकते हैं। ये किसी लत की तरह है। तुम दोनों ने कल की रात जिंदा कैसे गुजार ली? ओह नहीं, तुम तो प्रेग्नेंट हो। तुम इस स्टूपिड व्हीलचेयर पर क्यों बैठी थी? तुम दोनों गिनी पिग्स हो। गिनी पिग्स किसके लिए? देखो, मैंने पर्दे के पीछे कभी नहीं देखा, ओके? मैंने सॉफ्टवेयर लिखा, मैं उसे बस फिक्स करने आती थी, बस उतना ही। पर तुम्हें तो पता था कुछ तो गलत है ना? देखो, वो अपने बड़े सीक्रेट्स मुझ जैसी मामूली इंसान को कभी नहीं बताते। पर हाँ, मेरे हिसाब से वो यहाँ पर सर्दी खांसी का इलाज तो नहीं ढूंढ रहे थे।
हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो की कार चाहिए। पर तुम्हें पता है हम कहाँ हैं, राइट? मुझे नहीं पता। उन्होंने हमें पिकअप किया, बिना खिड़की वाली वैन में पीछे डाला और यहाँ लेकर आए। हम काम खत्म करके डिनर तक घर आ गए। और क्या करते थे तुम लोग? आंखें बंद करके चेक कलेक्ट करते थे? और जिंदगी में कौन सी चॉइसेस ने तुम्हें हलाया? सुनो सुनो सुनो। ठीक है, हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। हमारे पास यहाँ सनलाइट है, ये 2 घंटे में खत्म होगी। मैं फिर से उस घटिया नरक में वापस नहीं जाने वाली। तो हमारी मदद कर रही है। एक्चुअली मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। किसी को मेरी वहाँ जरूरत है और हम बाहर निकलने से 5 फीट दूर है। हम बस थोड़े बाहर है, हमें लिविंग क्वार्टर्स में जाना चाहिए, वहाँ हम सुरक्षित होंगे। नहीं, मैं यही रुकूंगी। देखो मुझे परवाह नहीं तुम क्या करोगी, ओके? पर मैं जिंदा हूँ और बहुत सारे लोग नहीं है। हम यही पर रुकेंगे। हाँ, पर तुम्हें पता है ना वो क्या कहता है, तुम्हें एक कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे आना पड़ता है। ओ, ऐसा कहते हैं? सच में? क्या वो ऐसा भी कहते हैं कि खतरनाक दरिंदों से भाग रहे हो तो 2 कदम पीछे जाना? मुझे नहीं लगता मैं इतना स्मार्ट हूँ कि हम दोनों को जिंदा रख सकूं, लेकिन वो है। तुम जानते हो ना इसका मतलब तुम -1 पर हो। क्या? 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, तुम अभी भी 1 कदम पीछे हो। देखा, मैंने कहा ना मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। एटलीस्ट वो काउंट कर सकती है। ये एक्चुअली मैथ्स है। मुझे धक्का दे देना। डॉक्टर्स यहाँ साल के 365 दिन रहते हैं। मैं सोच रहा था वो लीप ईयर में क्या करते हैं। कम ऑन, ये अच्छा जोक था, मैं तुम्हें जरूर हंसाऊंगा। कोई चांस ही नहीं है। चेतावनी, बैकअप जनरेटर का ऑपरेशन 20% पर है। हमारे पास पूरी रात जिंदा रहने के लिए सब कुछ है, लाइट्स, पानी और शायद खाना। खा लो। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को पूजा स्थान की क्या जरूरत है? हाँ, तो कौन सा ब्रिलियंट प्लान है? अगर मैं हर विंग बंद कर दूं और पूरी पावर को यहाँ ट्रांसफर कर दूं। अगर सब कुछ बंद करेंगे तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे? नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत लाइट्स है। हो सकता है इसके बाद हमारे पास लाइट ना हो, सब कुछ बंद करना पड़ेगा जब तक ट्रांसफर साइकिल और पावर बैकअप चालू है। तब तक हमें कैंडल सुरक्षित रखेगी। इन कैंडल्स को तो अभी जलाया है। क्या यहाँ पर और कोई जिंदा है? मदद करो। हेलो हेलो, कहां पर हो तुम? हमें मदद करनी पड़ेगी। वो पल भर में मर जाएंगे अगर उन्होंने लाइट स्विच ढूंढने का। अगर तुमने लाइट्स बंद कर दी तो वो लोग मर जाएंगे। नहीं, रिस्क मत लेना, कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया तो उन लोगों में और हमें कुछ फर्क नहीं है। शायद मदद के लिए पुकारने वाले लोग भी वही होंगे। अगर वो डॉक्टर्स होंगे तो उन्हें बच्चे की डिलीवरी के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। तुम जितना ज्यादा यहाँ रुकोगे उतना ज्यादा पावर हम खो देंगे। मुझे रुकना होगा। तो ये रख लो, पर अगर तुम प्रॉब्लम में आए तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओके, मैं अभी आता हूँ। कुछ कहो ताकि मुझे समझे तुम कहाँ हो। या तुम यहाँ हो, हमारी मदद करो। क्या तुम डॉक्टर हो? नहीं, मैं हेनरी हूँ। मुझे कोई हेनरी नहीं चाहिए। यहाँ पर 2 सर्वाइवर्स हैं, एक का हाथ बहुत जख्मी है। उन्हें यहाँ पर ले आओ। लेकिन हम क्या करेंगे? क्या बाहर कोई डॉक्टर है? हमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है। क्या वहाँ पर वो खतरनाक चीज है? लाइट चली गई और उसने हम पर हमला किया। हम यहाँ पर छुप गए पर उसने उसका हाथ काट दिया। नहीं 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 नहीं, बेहोश मत होना, बेहोश मत होना, उसका खून बहुत बह रहा है। तुम कहाँ हो? किचन में। अच्छा, गुड। वहाँ कैसा स्टोव है? क्या, क्यों? गैस। तुम उसको इस्तेमाल करो खून रोकने के लिए। कोई और रास्ता जरूर होना चाहिए। हाँ तो हमें बताओ ना। मेरे पास माचिस है। तुम उसे मार डालोगे? नहीं, वो सही है, तुम्हें करना होगा। ओके,
ठीक है तो चलो। मुझे इतने प्रेशर में काम करने की आदत नहीं है। परमात्मा हमारी रक्षा करे। कोई ऐसी चीज लो जिससे काम हो सके। अल्कोहल लेकर आओ वहां से। हम अपने प्यार और गौरव को प्रशस्त करते हैं ईश्वर, हम पर रहम करना। ठीक हो जाएगा। मैं हाथ को पीछे खींचूंगा, तुम इसे गलत मत होने देना। ठीक है। एक, दो, सब कुछ ठीक है हेनरी? फादर। हेनरी? चलो। फादर, उसे ऊपर चलिए। हेनरी? आजा। ताब, बैकअप जनरेटर का ऑपरेशन 15% पर है। निकलने का रास्ता है, हम पहुंच गए। उसने हमें हॉलवे में फंसा दिया। मेरी लाइट्स की वजह से वो दूर है। कोई आइडिया? रूम में चले जाओ। ओके, वहां पर एक है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम उन्हें अंधेरे में फंसा दोगी। जब तक लैंप चल रहा है वो ठीक रहेंगे। तुम उन्हें मरवा दोगी। लाइट्स ही उनका एक चांस है। उन्हें एक साथ रहने को कहो। उन्हें एक साथ रहने को कहो। मैरियन पावर को रीसेट करने जा रही है, अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना। मुझे नहीं लगता लाइट्स ज्यादा देर तक टिकी रहेंगी। 30 सेकंड्स अभी स्टार्ट होते हैं। अभी पांच, चार, तीन, दो, एक। बिल्डिंग की लाइट बंद करके मैंने तुम्हें सारी पावर दे दी। You're welcome। तुमने हमें यहाँ फंसा दिया। मुझे माफ करना, हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपकी जान बचाई है, और तुम लोग कौन हो? अच्छा, well, वो एक प्रीस्ट है और ये है। तुम कौन हो? मैं एक इंटर्न हूँ। इंटर्न? मुझे एक पट्टी चाहिए। हे भगवान, तुम होश में कैसे? क्या तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ है? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। कौन हो उसके बेहुदा वकील? तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम बहुत मुसीबत में हो। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शंस कितना टाइम पहले शुरू हुए थे? लगभग 1 घंटे पहले। देखो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तो तुम अगर कुछ कर सको तो करना। सुनो मेरी बात, तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। Okay. अब देखो, ये तोहफा है ईश्वर का तुम्हारे लिए। हाँ,
कुछ भी मत कहना। अगर ये बच्चा तोहफा है तो इसके साथ कोई रिटर्न पॉलिसी भी होगी ना? ये कोई बच्चा नहीं है असल में। ये उनमें से ही एक है ना? उन दरिंदों में से एक? तुमने मेरे साथ क्या किया? हम तुम्हारा दर्द कम कर सकते हैं, लेकिन तुम मरने वाली हो। मरूंगी? तो ये तोहफा कैसा हुआ? सुनो, मैं एक चीज पर काम कर रहा था। ये पॉलिसी के खिलाफ होगा, लेकिन शायद तुम बच जाओ। अच्छा तो वो करो ना। तुम्हें अपने पैंट उतारने होंगे। बेहतर होगा कि तुम इस सदी के बहुत अच्छे इंटर्न निकलो। पहले इस रूम में मैं सबसे अच्छा इंटर्न हूँ, तो ये काफी नहीं है? ओके, हमें सी सेक्शन की तैयारी करनी होगी। हेनरी, ये लिख लो, नीचे हॉल के पास एक डिस्पेंसरी है, ओके? वहां 3 वाल्स हैं। हमें पेन के लिए H4X5 वाली चाहिए, और मुझे 2 एक्सपेरिमेंटल ड्रग चाहिए, H9D13 और C7X11। सारी माएं जन्म देते वक्त मर गई, उससे झूठा दिलासा मत दो। वो जरूर मर जाएगी अगर कोशिश नहीं की तो। वो अब ईश्वर के हाथ में है। नहीं, वो मेरे हाथ में है। प्लीज मुझे बताओ, तुम लेफ्ट हैंडेड हो? ए, सुनो, तुम इंसिजंस करने वाली हो। क्या? हेनरी, डिस्पेंसरी में जाने के लिए चुप रहो। तुम चाहते हो कोई मुझे कट करे? हाँ, हेनरी, मैरियन यहाँ पर आओ। अपने हाथ कसकर पकड़ो। हाँ, तुम ये करोगे? नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया। मेरे पास देखो प्लीज। पिछली बार जब किसी को मेरी जरूरत थी, मैं वो ठीक से नहीं कर पाया। अच्छा तो अब हमारे पास दूसरा मौका है ना? मैं कर सकता हूँ, यही तुम्हारा जवाब है? कर सकता हूँ। गुड। मैरियन, तुम ड्रग्स को यहाँ लाओगी? तुम मुझ पे भरोसा करती हो? नहीं, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओके, फादर स्टुअर्ट हमें डिस्पेंसरी लेकर जा सकते हैं। मैं सिर्फ भगवान का कहा मानता हूँ। वैसे भगवान ने मुझे बुलाया है, उन्होंने आपको कंपनी देने को कहा है। वो क्या है? मैं लेवल 1 क्लियरेंस का कार्ड ढूंढ रही हूँ। वो हमें फ्रंट गेट के बाहर ले जाएगा, पर सिर्फ 5 लोगों के पास एक कार्ड था। Well, अब ये बहुत जल्दी पर्सनल होने वाला है। मैं कोई जोक्स नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हंटर कौन है? 30 सेकंड्स की शांति भी नहीं है। मैं नर्वस हूं, ओके? मैं सिर्फ एक राइटर हूं, मैं ऑपरेट नहीं करता। हंटर है मेरे कुत्ते का नाम। तुमने अपने डॉग का नाम हाथ पर टैटू करवाया? क्या तुमने ये खुद से किया? कार एक्सीडेंट। ओके, हम में से कौन सबसे पहले सच कहने वाला है? हंटर मेरा बेटा है। और ये सब क्या है?
मैंने तुम्हारा जवाब दे दिया, घाव है। मैंने कहा ना कार एक्सीडेंट, मैं बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। मुझे सच बताओ, मैं किसी चीज से भाग रहा था पर मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया। तुम किस चीज से भाग रहे थे? हंटर को ड्रग्स के बारे में नहीं पता है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुमने मुझे कार एक्सीडेंट के बारे में बताने देना चाहिए था, काफी बेहतर होता। उसमें ट्विस्ट एंडिंग है, आंसू हैं, बहुत अच्छा है। हम तुम्हारे बच्चे को वापस लेकर आएंगे, प्रॉमिस करता हूं। क्या तुम मुझे 100% कूल गाय गारंटी देते हो? क्रिस हमारी टीम में था। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूं? तुम किसी को भी मत बताना, यही ठीक रहेगा। और तुम सब माफ कर दोगे? हर चीज माफ हो जाएगी। जाने दो। तुम्हें क्या कन्फेस करना है? मैं आपको कितने साल की लगती हूँ? मेरे अंकल हमेशा कहते हैं औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। मैं लगभग 50 साल की हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी की नौकर बन के गुजारती हूँ। क्या आपको पता है 50 साल अगर कोई आपकी परवाह ना करे तो कैसा लगता है? बहुत बदतर है। पर एक प्रीस्ट की जिंदगी पार्टी से भरी नहीं होती है। बस एक बार मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना था जो जिंदगी गुजरते हुए देखे। मुझे जिंदगी जीनी थी। तो तुमने क्या किया? मैंने उन्हें बाहर निकाला। तुमने ये शुरू किया? मुझे पिंजरे के बारे में पता था और मुझे लगा कोई इलीगल एनिमल पर टेस्टिंग होगी। मैंने इसका ख्याल रखा कि बैकअप जनरेटर काम करे। मैंने पावर बंद किया, पिंजरा खुल गया और उसके बाद मुझे किसी की चीख ही सुनाई देने लगी। मैंने पावर फिर से लाने की कोशिश की पर वो काम नहीं किया। और जब वह डॉक्टर्स आए तब वह बहुत खून था। मैं बस भागकर छुप गई। अब माफी का आखिर क्या फायदा? तुम देख नहीं पा रही हो ना? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। बकवास, बहुत सारे लोग मर गए मेरी वजह से, भगवान के मकसद की वजह से नहीं। हम सब ईश्वर के हाथों की कठपुतलियां हैं। हमारा रास्ता पहले से तय किया गया है। तो तुम्हें मेरा रास्ता पता है? हाँ, हम यहाँ उसी रास्ते को ढूंढ रहे हैं, है ना? इसका क्या ख्याल है? एक क्लियरेंस के लोग यहाँ पर इस तरह मौत से नहीं झगड़ते। सॉरी, ज्यादा कह दिया। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ओह नहीं, ओह नहीं, तुम खुद के कार्ड्स बना सकते हो। आह, क्रिस कार्ड्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। ब्रिलियंट। ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। चलो।
ये उन ड्रग्स को लेते हुए कहाँ रुक गए? हमें कुछ धारदार चाहिए। मेरे पास है, मेरे पॉकेट में है। उसे आग के ऊपर रखना। तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। क्या तुमने सुना? मैंने ये कर दिया, अब बस सर्वर को ऑनलाइन करना होगा ताकि मुझे की कार्ड का डेटाबेस मिल जाए। ये ठीक नहीं है। तुमने क्या कर दिया? ओ नहीं, तुम लाइट्स फिर से ऑन कर सकती हो ना? सर्वर्स को एक्टिवेट करने के लिए मुझे उन्हें लाइटिंग ग्रिड पर लाना होगा। मैंने गलती से सर्किट को ओवरलोड कर दिया। मुझे लास्ट वाला मिल गया, हमें यहाँ से निकलना नहीं, होगा। मैं उसे फिक्स कर सकती हूँ, मुझे बस एक मिनट चाहिए। शायद अंदर कोई है। बैग लेकर आए। मैरियन कहाँ है? यहाँ की सारी लाइट चली गई है। मैरियन कहाँ है? वो मर गई। मर गई? हेनरी मेरी मदद करोगे? तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? ओके ये रहा, ये कैंची वहां ले जाओ। ओके सुनाई दे रहा। हम ईश्वर का नाम यूं ही नहीं लेते। शैतान ने तुम्हें पकड़ लिया है, पर मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। यह नफरत का काम नहीं है। ईश्वर कठोर हैं, पर वो दर्द के रास्ते से हमें प्यार सिखाते हैं। फादर, क्या आप ये सिरिंज भर देंगे? ये मुझे दे दो। क्या तुम्हें पता है इसे कैसे करते हैं? मेरा विश्वास करो। बाहर निकलो। तुम्हारी जिंदगी एक मिनट के लिए भगवान के हाथों में थी। उसने तुम्हें वापस किसी कारण से ही भेजा होगा। हम भगवान की प्लानिंग नहीं समझ सकते, पर एक न एक दिन हमें सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? मैं बीच पर था और ये शुरू करते ही मुझे नहीं पता कि क्या होगा। ओके तुम यहां। हेनरी हमें काटना शुरू करना होगा, क्या तुम कर पाओगे? हाँ हाँ। Hey.
ओके एली, हम दो ड्रग्स इंजेक्ट करने वाले हैं और अब मेरी थियोरी के हिसाब से मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक हो, ठीक हो। या करें तक पहुंचना हो, यहां काटो, धीरे से करो, एक और लेयर, रुक जाओ, ज्यादा अंदर नहीं, हेनरी, मैं क्या करूं, जल्दी कैंची दो, दरवाजा खोलो, मुझे लगा तुमने कहा वो मर गए, हेनरी यहां ध्यान दो, कैंची सिर्फ तुम ही चला सकते हो, दरवाजा खोलो, हम रुक नहीं सकते, अपना काम करो, एली, एली, मेरी तरफ देखो। नहीं, तुम रुक नहीं सकते, उसे मार दो, उस लेयर को काट दो, मारो उसे, नहीं, फोकस फोकस हेनरी, कैंची और छुरी पर ध्यान दो, मार दो उसे, एली उस तरफ मत देखो, सही कर रहे हो, उसे कोई मार दो, फोकस फोकस हेनरी, कैंची नीचे रखो, हाँ हाँ वो आ रहा है, इसे बाहर निकालना होगा, जब तुम उसे बाहर निकालोगे, हाँ अभी देखना है, हाँ आ रहा है, अभी इसे बाहर निकालो वरना वो मर जाएगी, निकालो, जिंदा हूं। बहुत बढ़िया, हमने कर दिखाया। क्या मैंने कर दिया? तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। हमारे पास चॉइस नहीं थी, मुझे कैसे भी दवा लानी थी। बकवास, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्लीज शांत हो जाओ, उसे वापस सिलना होगा। कुछ महसूस हो रहा है? सूजन है, पर और भी बुरा हो सकता था। उन ड्रग से तुम्हारी मदद होगी, लेकिन तुम जल्दी हिल नहीं पाओगी, ओके? हाँ ठीक है। ओके, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर ये भी जानना जरूरी है कि हम किस चीज से लड़ रहे हैं। ऐसा होगा, नहीं पता था। उन्हें कुछ मत बताना। तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? यही एक तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का। अगर तुम्हें टाइम वेस्ट करना है तो बेशक करो। तुमने सिर्फ कार्ड्स को बचाया, पर मुझे नहीं। ये कौन सी जगह है? ये एक प्राइवेट फंडेड रिसर्च फैसिलिटी है। कौन से स्टडी के लिए? मौत। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई की है। एली, तुम्हें यहाँ उठने से पहले आखिरी चीज क्या याद है?
मैं रास्ते पर भाग रही थी। क्या तुम दर्द में थी? हाँ, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तुम्हें ओवरडोज हुआ, तुम्हें हार्ट अटैक आया था, तुम मर चुकी थी जब कंपनी तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ लाई। ये इम्पॉसिबल है। जब कोई मरता है ना तो उसका दिमाग एकदम से बंद नहीं होता। हमने डिस्कवर किया कि अगर हम अप्लाई करें कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज दिमाग के उस हिस्से में जहाँ पर यादें होती हैं, तो दिमाग वापस जाग जाएगा। तो तुमने मेरे बॉडी को साइंस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया? यह मौत को रिवर्स करने का एक पहला स्टेप हो सकता है। तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हमने पहले एक औरत पर टेस्ट किया, जब वो जिंदा हो गई उसके सारे साइंस नॉर्मल थे, पर हमने महसूस किया कि वो प्रेग्नेंट थी। हमने फिर से कोशिश करी लेकिन सारी औरतें प्रेग्नेंट हो गई। इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये सारी चीजें कहां से आती है? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ, क्योंकि साइंस के पास सभी सवालों का जवाब नहीं होता। जरूरी नहीं तुम्हारी थ्योरी सच हो। यादें दूसरी दुनिया का द्वार होती है। हमारे दिमाग में बसी हुई यादें हम सबको और हमारी जिंदगियों को जोड़ कर रखती हैं। जिंदगी और मौत, पॉजिटिव और नेगेटिव, तुम मौत के आगे पहुंच गई थी और वहां से अपने साथ एक दिव्य जीव को लेकर आई जो ईश्वर ने दिया है हमारी इस संपूर्ण दुनिया के लिए। क्या बकवास है? नहीं, शायद ये सही है। मुझे विजन्स आ रहे हैं। विजन्स? जैसे मैं लोगों की मौत को महसूस कर सकता हूँ, जैसे मैं वहां पर हूँ जो उन्होंने किया वो फील कर सकता हूँ। तुम पहले आदमी हो जिसे हम जिंदा कर पाए। हमने तुम्हें कैद रखा था, हमें नहीं पता था क्या होगा। जरा रुको, तो मैं उस चीज को अपने पेट के अंदर लेकर आती हूँ और उसे सिर्फ बुरी यादें मिलेंगी। ओके, और कुछ? इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। तुम वहां पर थे, तुम तुम्हारे अंकल के साथ उस बीच पर थे और उन्होंने कहा ईश्वर कठोर गुरु होता है, उनके दर्द से प्यार का रास्ता दिखता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं सर्कल पूरा कर सकता हूँ, है ना? उसके जरिए वो हमारी दुनिया में पहुंच रहे हैं और मैं उनकी दुनिया में। गाइस, वो चला गया। क्या कह रही हो? पर तुमने उसे मारा था ना? जो चीज मरी हुई है उसे तुम नहीं पर मार वो बच्चा सकते। मरा ना। कोई तो रास्ता होगा। हमने सारे कैंडल्स जला दिए। मैं इसका क्या करूं? ओके, यहां तीन लूप्स। एक, दो, तीन। ओके, ये कैसे? थोड़ा और टाइट, थोड़ा और टाइट। वो वेंट्स में है। सूरज 45 मिनट में डूब जाएगा। चलो सामने वाले गेट में जाते हैं जब तक कोई और प्लान नहीं ढूंढ निकालते। एक घंटे पहले ये आइडिया क्यों नहीं बताया तुमने? डॉक, वो ड्रग्स? नहीं, मेरे पीछे वाले पॉकेट में बिल्स है। फाइल्स देखो, उन्होंने बच्चे को मार डाला होगा। हमें यहाँ से जाना होगा। उसके लिए रुको, जल्दी करो। ये हमारा आखिरी मौका है। एक और, वो और है। हमें जाना होगा। मुझे मिल गया। चलो, जहां पे शुरू किया वही आ गए। हे
भगवान, हम इसे बंद करके उन्हें यहीं पर लॉक कर सकते हैं। आपने किसी को बताया क्यों नहीं कि आपके पास कार्ड था? ये मुझे दो। जो तुमने शुरू किया वो मुझे खत्म करना होगा। इसका अंत मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम भी देख सकती हो जिस वक्त तुमने वो पिंजरा खोल दिया था। क्या वो एक हादसा था? तुमने किए हुए प्रॉब्लम्स में तुम हमें खींच रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता था ये सब होने वाला है? मुझे नहीं पता, तुमने अपने अलावा किसी के बारे में सोचा? नहीं, नहीं। हाँ? क्या? हम बहुत देर तक ईश्वर की राह से भटकते हैं। दुनिया नैतिकता और शालीनता को भूल गई है। अपने आप को देखो, तुमने अपना सारा जीवन ऊंचाइयों को ढूंढने में लगा दिया। तुमने इच्छाओं को खुद पर हावी होने दिया और तुम सबसे बुरी निकली। ईश्वर ने तुम्हें जीवन का तोहफा दिया और तुमने उसे बर्बाद कर दिया, और इसीलिए ईश्वर तुम्हें सजा दे रहा है। दर्द के रास्ते से ईश्वर तुम्हें प्यार दिखा रहा है। मैंने इन शब्दों को बहुत सालों से नहीं सुना। वो मुझे क्या करना है बता रहा है। हम तुम्हारी दुनिया फिर से बना सकते हैं, पर पहले हमें उसे नष्ट करना होगा। इससे पहले कि हम कुछ और करें, हमें उसे नष्ट करना होगा। ये बंद नहीं हो रहा। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो क्या उस रोशनी से वो दानव मर नहीं जाएंगे? नहीं, रोशनी से उन्हें सिर्फ दर्द होता है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तुमने उन्हें देखा ना, वो मर नहीं सकते। वो हर जगह फैल जाएंगे। मुझे माफ करना। एली, हे एली, 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 हेलो, 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 आप कौन हैं? हंटर, मैं माँ हूँ। ये बिल्कुल फनी नहीं है। मेरी माँ मर गई है। मुझे पता है उन्होंने तुम्हें बताया मैं मर गई हूँ, पर बेटा मैं यहीं पर हूँ और प्लीज मेरी बात सुनो। के कुछ तो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, इसलिए अपना नहीं। एली, तुम कहां जा रही हो? माँ, शायद मुझे पता है मेरा फोन कहां पर है। माँ, एली, वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम कभी नहीं कर पाओगी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो उसे मार डालेंगे। मैं कोई ड्रग एडिक्ट नहीं हूं। ओके, जाओ। उसे सब लोगों ने अब तक बताया होगा कि मैं सिर्फ एक लूजर हूँ जिसने उसे छोड़ दिया किसी और के लिए, पर मैं वंसा नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। ओके, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गई तो वो वही सोचेगा। नहीं, वो जानता है तुम लूजर नहीं हो। पर वो मुझे उसी तरह से याद रखेगा। एली, वो वहां पर था। वो उस दिन अपना फोन लेने आया था। उठो माँ। माँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा करता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे आपके राज के बारे में पता है। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो जाए। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। एली, वो पूरा वक्त तुम्हारा ख्याल रख रहा था। ओ नहीं, मैंने कभी कुछ सही नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ है, तुम्हें अब उसका ख्याल रखना है।
हंटर को कुछ नहीं होगा, पर हमें उन दरिंदों को गेट के पीछे ही रखना होगा। तुम्हें लगता है कोई चांस है? एक बार सूरज डूब गया तो हमारे पास कोई चांस नहीं है, पर एक सही चॉइस से उसकी जिंदगी बच सकती है, शायद वो नहीं जानता। मुझे बस एक चाहिए, बस एक दर्द के लिए। ठीक है। तैयार हो? मैरियन, हम इसे फिक्स कैसे करें? मुझे नहीं पता। ड्रग्स का क्या हुआ, कुछ बाकी है? नहीं, बस वही था। ओके, और जनरेटर का क्या, हम उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। देखो, अगर हम लाइट्स और टाइम तक शुरू रख सके तो हम जरूर कुछ कर सकते हैं। मैंने ओवरलोड डिवाइस लाइटिंग सर्किट पर ट्रिप कर दिया। लाइट्स को शुरू करने का एक ही तरीका है, वहाँ तक जाकर उसको फ्लिप करना। ये तो मुश्किल है। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम उनसे लड़ नहीं सकते। ओके, तो इमरजेंसी सिस्टम और क्या कंट्रोल कर सकता है? हीटिंग, वेंटिलेशन। तुम उस चीज को कैसे मार सकते हो जो मरे ही ना? नहीं कर सकते, तुम उसे स्लो कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी अंडरग्राउंड है, यही एक एग्जिट है। ओके, तो अगर हम एंट्रेंस को उड़ा दे तो हम उन्हें यहाँ फंसा सकते हैं। हाँ, पर हमें एक्सप्लोजिव्स चाहिए होंगे और मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेंगे। एक जगह जानती हो, हीटिंग सिस्टम, वहाँ एक पुराना बॉयलर है। हम एंट्रेंस नहीं उड़ा सकते, लेकिन पूरी बिल्डिंग उड़ा सकते हैं। उन दरिंदों को जिंदा जला दो। वो जिंदा नहीं है। ओके, अच्छा है, ये जनरेटर तक मुझे ले जाएंगे। मैं ट्रांसफर स्विच को फ्लिप करके रीराउट कर दूंगी बॉयलर रूम तक। अब वहां हम टैंक का प्रेशर बहुत बढ़ा सकते हैं। बूम। ठीक है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। जनरेटर ए विंग में है और बॉयलर डी विंग में है। तुम दोनों को बॉयलर तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कितना फ्यूल बाकी है, पर उन पंप्स को बहुत ज्यादा पावर लगने वाली है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पर तुम नहीं कर सकती, तुम अकेली नहीं जा सकती। क्यों, तुम मेरे साथ आने वाली हो? देखो, मुझे ये करना ही होगा, मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, हमें वेपन्स और फ्लैशलाइट लगेंगे। पता है कहां जा रहे हो? हम तुम्हें यहां पर मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। गुड लक। हम इसके लिए तैयार हैं? मैं ये कह सकता हूं कि मुझे पता नहीं, राइट? चलो ये करते हैं।
ये इतना भी बुरा नहीं है, शायद वो भरा हुआ है। हम इसके लिए तैयार हैं। हे, छुपने की कोई जगह देखो। वो वहीं पर है ना? बाहर आ जाओ कमीनो, तुम्हें खून चाहिए ना, ताजा मांस चाहिए ना, चलो कम ऑन बाहर आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए खून है, तुम्हें भूख लगी है? मेरा बहुत ही लंबा दिन था, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें लगता है मैं लूजर हूँ? तुम्हें लगता है तुम मुझे फंसा सकते हो? पावर कम ऑन। हेनरी,
तुमने ये कैसे किया? मेरा खून उन्हें चाहिए था, पर ये जहर की तरह काम कर गया, इसने उन्हें मार दिया। Of course, वो ड्रग्स, इंटर्न के ड्रग्स, वो अभी भी तुम्हारे खून में है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ये? ओ नहीं, तो क्या तुम्हारे पास वो ड्रग्स है? ओके, हम हर चीज को खून से भर देंगे। हमें मेरियन के पास जाना होगा, शायद उसे मदद मिले, पर हमें वहां नीचे जाना होगा। सूरज डूबने के लिए कुछ ही मिनट्स बाकी हैं। बॉयलर में पावर है, उसे फुल स्पीड पर करना होगा, वो फूटेगा। पावर ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, तुम्हें जल्दी करना होगा। डीजल के पास जाओ, अगर बॉयलर बंद हो गया तो वो वापस शुरू नहीं होगा। काश मैं तुम्हारे साथ आ पाती, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे याद रखें। मैं हेडलाइंस पढ़ने नहीं रहूंगी। क्या तुम मेरे लिए उन्हें नर्क में भेजोगे? करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, तुम समझ नहीं रहे, ईश्वर ने मुझे इसी के लिए बचाया है। ईश्वर जो आपको मारने कहता है? तुम्हें भरोसा रखना होगा। है भरोसा? है ना, तो तुम कैसे मरे हेनरी? तुम हमारी मौत को जीते रहे, पर हमारा क्या? तुम मौत से झगड़ रहे हो। चाकू तुम्हारे अंदर से शरीर को काट रहा है। तुम्हें याद है कि कैसा महसूस हुआ था? बस कुछ। तुम्हारे शरीर पर कितने घाव लगे थे? मैं उस पाप के साथ नहीं रह पाता, उससे कैंसर हुआ था और मैं उसे छोड़कर गया, वो अकेले ही मर गए। क्या आपको यह सुनना था फादर? नहीं प्लीज, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ आओ, बस तुम्हें एक सही चॉइस करनी पड़ेगी। मेरे पास चॉइस नहीं है। नहीं 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 प्लीज, बॉयलर को ऑफ मत करो। नहीं प्लीज रुको, हमें रीस्टार्ट करना होगा। नहीं कर सकते, फ्यूल खत्म। नहीं, 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 चलो चलो। नहीं, मुझे एक सेकंड देना। हेलो प्लीज, ये हमारा लास्ट चांस है। उन्हें खून की लत है। क्या कह रही हो? सिर्फ मैं ही उन्हें मार सकती हूँ।
तुम मर जाओगी। हंटर, मुझे उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, है ना? लेकिन ये नहीं, हमारे पास वहां पर एक आखिरी मौका था। अगर ये हमारा लास्ट चांस है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना हेनरी? जब तुम मरते हो तो कितने टाइम तक दर्द रहता है? बस कुछ टाइम के लिए, उस चीज से ज्यादा दर्द नहीं होता। तुम मरने से पहले क्या सोचते हो उससे दर्द होता है। तुम्हें जाना होगा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ये मैं खुद कर सकती हूँ। मेरे पास देखो, ये मेरी 100% सब कुछ कूल वाली गारंटी है, ओके? इसका मतलब सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम जो कुछ भी कर रही हो उसकी वजह से कल हंटर उठने वाला है। वो स्कूल जाने वाला है। और वो एक ग्रेजुएट होगा और उसकी शादी होगी। हाँ, उसकी फैमिली होगी। वो बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा पापा होगा उसकी माँ की तरह। तुम अच्छी कहानियां सुनाते हो। मुझे मेरी कहानी बताओ। तुम्हारी और हंटर की नई शुरुआत होगी। तुम किसी अमेजिंग इंसान से मिलोगी जो तुम्हारी तरह हो। मुझे आज तक किसी ने अमेजिंग नहीं बुलाया। उसकी आदत मत डालो। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। जाओ प्लीज, जाओ। नहीं, फिर से नहीं। तुम मर जाओगे। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता था जो सबकी मदद करे। मैं भी। तुम भी? मैं बस ये चाहती थी।